अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लाहौर दिखावे LTK। आज क्या बनने जा रहा है? अरबी के मज़ेदार से पतौर, जिसके लिए आपको चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे कि बेसन हमने लिया है 3 कप। उसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली को चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक, 6 ग्रीन चिली का हमने इसके अंदर इजाफा किया है। और फिर हम जाएगा इसके अंदर 3 चॉप ऑनियन बिल्कुल बारीक बारीक कटे हुए, और इनको बिल्कुल भी बड़ा नहीं काटना। और उसके बाद इसके अंदर जाएगी एक पूरी गठी जो होती है धनिया की, इसको एक बॉल भरकर इसके अंदर बारीक बारीक करके वॉश करके कटिंग करके ऐड करेंगे। फिर जाएगा इसके अंदर चॉप अदरक, इसी तरह चॉप जिंजर, उसको भी हम इस तरह बारीक बारीक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। जाएंगे इसके अंदर ड्राइड मसालों में रेड चिली पाउडर है 4 चम्मच भर के। उसके बाद इसके अंदर जाएगा जैसे कि वो ड्राइड पुदीना होता है, अगर फ्रेश मिल जाते तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप में इसको मैंने सुखा कर रखा हुआ होता है, तो हम इसको ऑफ सीज़न में यूज़ करते हैं। इसको अच्छी तरह से हाथ पर क्रश करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे और जो उसकी डंडियों को इसको निकाल देंगे साइड पे। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, और नमक हमने डाला है 2 चम्मच। 1 कप पानी के अंदर इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छी तरह से बैटर फॉर्म बनाएंगे। अगर कम लगता है तो पानी हम इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। पहले इसको डालकर हम इसको मिक्स करके देखते हैं कि कितना पानी हमें इसके अंदर रिक्वायर्ड है और कितने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, ज़रूर बनाइएगा। और ये एक यूनिक सी रेसिपी है। अगर आप कोई चीज़ पकौड़े वगैरह बनाना चाहते हैं तो इसको अगर हम इसको स्टीम करके उसको फ्राई भी कर सकते हैं, और चाहे टी टाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है जी अरबी के पतौड़। इसको हम एज ए सालन हम यूज़ करते हैं, एज ए फ्राइड आइटम की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, और बहुत ही कदीम ज़माने से ये बनता हुआ आ रहा है। और आजकल की न्यू जनरेशन भी इसे बहुत मज़े से बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसको हम बनाएंगे बिल्कुल स्मूथी फॉर्म बना देंगे, बिल्कुल पतला बटर जैसे होता है मुलायम, बिल्कुल इतना हमने इसको बना लेना है स्मूथ। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने इजाफा किया था, बहुत सख्त हमने नहीं बनाना है। इसको बनाकर तकरीबन हम इसको 30 मिनट्स के लिए साइड पर रखेंगे, और इसका नमक वगैरह भी चेक करेंगे कि इसमें नमक और मिर्ची बराबर हैं, तो अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ी सी और ज़्यादा। और उसको बनाकर मैंने रख दिया साइड पर। दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं हम, जैसे कि स्टीमर हमें चाहिए बड़े साइज़ का, जैसे झरना होता है, और एक हमें बड़े साइज़ का पतीला चाहिए जिसमें हम 3 से 4 लीटर पानी डालकर इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। और उसके ऊपर रख देंगे इतनी देर तक हम क्या करेंगे, थोड़ा चूल्हा कम करके हम साइड पर रखेंगे। उसकी देर तक हम दूसरी चीज़ें हम तैयार करेंगे, जैसे कि अरवी के पत्तों को मैंने धोकर वॉश करके साइड पर रखा। इसकी जो पीछे की डंडी होती है उसको कैंची की मदद से काट लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम इसको बैक साइड से हम इसके ऊपर लगाएंगे बेसन। इसको अच्छी तरह से फैला लें और दोनों साइडों से उसको हल्का हल्का सा, हमने बहुत मोटा नहीं लगाना और बहुत पतला भी नहीं लगाना, बस इतना हो कि वो अच्छी तरह कवर भी हो जाए और पता चले हाँ बेसन इसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छी तरह से साइड कवर करने के बाद इसको हम करेंगे फोल्ड, जैसे किसी बंडल को फोल्ड करते हैं या किसी रैपर को, जैसे रैप मिलता है बाज़ार से, इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे फोल्ड। मेक श्योर कि चारों तरफ से अच्छी तरह से बेसन लग जाए, और उसके बाद इसको फोल्ड करना मैंने शुरू किया है। और ये देखिए ये कम्प्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी सब भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरा बनाकर बताया कि हमने दूसरा भी इसी तरीके से, चाहे पता चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, इसी तरीके से बनाएंगे और उसको भी अच्छी तरह स्प्रेड करके और उसको भी अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले ज़माने में होता था कि इसको हमने करना होता था, हमारी जो दादी अम्मी वगैरह होती थी वो उसको स्टिक्स के ऊपर, जैसे कि झरने वगैरह नहीं होते थे तो स्टिक वगैरह लगाकर या फिर पानी के ऊपर ऐसे उसको उनको करना होता था कि वो अच्छी तरीके से स्टीम हो जाते थे। अब वो चीज़ें तो नहीं है, तो स्टीमर के मदद से हम ये चीज़ें कर उसको आसानी के साथ बना सकते हैं। स्टीमर के ऊपर ऑयलिंग कर लेंगे जिससे कि ये जो पत्ते हम उसके ऊपर स्टीम करेंगे तो उसके ऊपर चिपकेंगे नहीं और आराम से ये स्टीम हो जाएंगे। जितने भी मैंने बनाकर रखे थे फोल्ड्स उनको हमने इसके ऊपर रख देना है, और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमने इसको नहीं छेड़ना। और ये बस इसी तरीके से दरमियानी आंच पर हम इसको करते जाएंगे अच्छी तरीके से स्टीम। उसको ढकेंगे एक बड़े से बर्तन के साथ जिससे कि इसका स्टीम जो है इसके अंदर बरकरार रहे, और जो इसके अंदर बेसन मैंने लगाया है वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए, और जो पत्ते हैं वो भी अच्छी तरीके से कुक हो जाए। ये 2-3 तरीके से मज़े से खाए जाते हैं। इसको हम स्टीम हुए भी खाते हैं, इसको हम भुने हुए जब मसाले के साथ लगे हुए भी खाते हैं, इसको हम
जैसे कि स्टीम हुए इनको बारीक बारीक कटिंग करके उसको ऑयल में फ्राई करके टी टाइम में हम इसको बहुत इंजॉय करते हैं कैचअप के साथ, बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। मतलब कि एक चीज़ से आप 3-4 मज़े ले सकते हैं। ट्रिपल एक्शन वाली एक रेसिपी बनाकर मैंने आपके सामने तैयार की। आ जाती है मसाले की बारी, जिसमें मैंने 4 से 5 अदद लिए हैं टमाटर, और उसके अंदर जाएगा लहसुन जाएगा, अदरक जाएगा और प्याज जाएगी। क्वांटिटी मैंने आपको मेक श्योर कर दी है स्टार्टिंग में। तो ये डालकर हमने इसका बैटर फॉर्म एक मसाला बनाकर तैयार करना है। जो उसका मसाला जो भुना हुआ बनाना है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको बनाकर आपने इसी तरीके से बनाना है। उसमें टमाटर की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा होती है, जिससे कि इसका जो टेस्ट आता है, जो उसका जायका निकलता है, वो बहुत मज़े का होता है। एकदम मुलायम इसका बैटर हम बनाकर साइड पर रख लेंगे। दूसरी तरफ हम हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लेंगे, जिससे कि इसको चलाते हुए और कुक होने में आसानी मिल जाए। इसमें 50 ग्राम मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने डाला एक छोटे साइज़ की प्याज, काट कर डाली, बिल्कुल बारीक बारीक उसको कर लेना है, लाइट गोल्डन कलर कर लेना है। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो मैंने बैटर बनाकर रखा था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने इसके अंदर वाइट क्यूमिन, मतलब कि 1 चम्मच हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, जिससे कि इसके अंदर और ज़्यादा अच्छा जायका आ जाए, खुशबू आ जाए, और ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब आ जाती है इसके अंदर बैटर ऐड करने की बारी, जो हमने बनाया था टमाटर प्याज अदरक लहसुन का, उसको ऐड करने के बाद उसको हमने भूनना है, फ्राई करना है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उससे पहले इसके अंदर कुछ ढककर हमने पकाएंगे, जैसे कि इसका पानी जल्दी से खुश हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं ड्राई मसाले। मसाले को बिल्कुल भी हम लगने नहीं देंगे, नीचे से जलना नहीं चाहिए, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसके अंदर जाएंगे ड्राई मसाले में, जैसे 4 चम्मच मैंने ली है सुर्ख मिर्चें ली हैं, हल्दी ली है और नमक लिया है, और धनिया नहीं हम इसमें यूज़ करेंगे। सिर्फ हमने ये 3-4 चीज़ें डालकर इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। इतनी मज़ेदार रेसिपी और इतनी डिलीशियस रेसिपी आपको सिर्फ मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर आना होगा और सीखना होगा कि मैं इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाती कैसे हूँ। लाजमी सीखिएगा और लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। शेयर करने का ये होता है कि जल्दी से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग पसंद भी करेंगे और उतने ज़्यादा उसको लाइक्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जो कि सबसे पहले आने वाली रेसिपी आपके पास पहुंचेगी और आप उसको सबसे पहले देखकर एंजॉय करेंगे, सीखेंगे कुछ ना कुछ। और ये देखें कितना अच्छा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो ये कंडीशन आ जाती है पकने की, एकदम तैयार है हमारा मसाला। जब इसके अंदर ये चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो उसको करेंगे चूल्हे को बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है ना, और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो चुका है। जो हमने बनाए थे स्टीम अरबी के पत्ते, उनको मैंने निकाल कर देखना है कि कितने हो गए हैं। 2 घंटे हो चुके हैं इसको, बहुत ही एहतियात से देखा है तो ये हो चुका है। इसको हमने चूल्हे को बंद किया है और उसको कूल डाउन करने के लिए एक बड़ी सी परात या बड़े से बर्तन में या बड़ी सी ट्रे में निकाल कर साइड पर रख दिया। उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको ठंडा करने के लिए जाएंगे। ये देखिए कितने गर्म है अभी, तो उसको निकाल कर मैंने पंखे के नीचे रखना है। उसके बाद फिर इसको सेपरेट करना है, बहुत एहतियात से, टूटने नहीं चाहिए। अब इस पर हाथ लगाया जाए तो अब मैं इसको साइड पर कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको ट्रे में निकाल लिया और बहुत ही एहतियात से इसको सेपरेट करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। स्क्वायर में स्क्वायर करें या आप इसकी डायमंड शेप में करें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने स्क्वायर में किया है कटिंग करके सब मैंने तोड़ को बना साइड पर रख दिया है। इनका नाम पतोड़ कहा जाता है आम लैंग्वेज में, अरबी के पत्ते या अरबी के पतोड़ कहा जाता है, और ये बहुत मज़े के लगते हैं। सीज़न इनका आता है बरसात के दिनों में, बहुत ज़्यादा इसके अरबी के पत्ते आते हैं मार्केट में, तो आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और कोशिश कीजिए कि बहुत बड़े पत्ते आपने नहीं यूज़ करने, सिर्फ दरमियाने साइज़ के होने चाहिए। ये देखें मसाला भुनकर एकदम रेडी है। इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने कटिंग करके रखे हैं पतोड़,
वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। कुछ मैंने ऐसे ही निकाली हैं स्टीम हुए हुए, वो मैंने फ्राई करने हैं चाय के साथ। और इसके अलावा वैसे भी हम नींबू डालकर उसके ऊपर खाते हैं। इसके अलावा मसाले में जो भुने हुए पतौड़ होते हैं वो इस तरह से मैं आपके सामने बनाकर दिखा रही हूँ कि हम किस तरह से इसको 2-3 डिश बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह भुन चुके हैं और सब पे मसाला आ चुका है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मिक्स हो चुका है। और इसके जो पतोड़े हैं वो उसके जो पीस हैं वो टूटने भी नहीं चाहिए। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल फ़िश वाला लुक आ रहा है, जैसे कि फ़िश हम फ्राई करते हैं, भुनी फ़िश जो बनाते हैं सेम वही है इसकी कंडीशन लग रही है। अगर हम नहीं बताएं कि ये क्या बना है तो आप एक बार देखने से ऐसे ही लगता है कि जैसे ये फ़िश बनाई हुई है। इसका साइज़ भी तकरीबन वही होता है जो एक फ़िश के पीस का साइज़ होता है, जो भुनी हुई फ़िश बनाते हैं मसाले वाली, सेम वो भी इसी तरीके से लग रही होती है पकने के बाद। इसको मैंने प्रेजेंट किया एक छोटी प्लेट के अंदर, उसको फिर हमने करेंगे दूसरी साइड पे प्रेजेंट करेंगे बड़ी प्लेट के ऊपर रखकर, उसके ऊपर हम करेंगे दूसरी चीज़ों का इजाफा। ये डिश बनाई है मैंने फरमाइश पर, अब्दुलरहीम भट्टी साहब की फरमाइश थी कि ये आप पतौड़ बनाकर लाजमी दिखाएं, तो हमने आपकी फरमाइश पूरी की है। अब बताइएगा आप कब बना रहे हैं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे जी टेस्ट करने की बारी, बहुत ही डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार बने हैं हमारे आज के पतौड़, अरवी के पत्तों के पतौड़। बहुत ज़्यादा ये जो एक बार खाता है तो उसका टेस्ट नहीं भूलता है, तो वो चाहता है कि बार बार ही इसी तरह से हम बनाते रहें। तो मैंने आपकी रेसिपी शेयर कर दी है, तो ज़रूर बनाइएगा सब लोग और मुझे फीडबैक लाजमी कीजिएगा। ये आगे जी नींबू इसके ऊपर स्क्वीज़ किया मैंने नींबू, और ये मैं आपको ज़रा और करीब से दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और मुँह में आ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा इतने मज़ेदार इतने टेस्टी पतौड़ बने हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस अब मैंने ये खाना शुरू करना है, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैं करती हूँ इसको टेस्ट। और ये इतना मज़ेदार बना है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ जाती है टेस्ट करने की बारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुका है, जो मैंने इसके अंदर बेसन को लगाया था स्टीम के ज़रिए से। थोड़ा इसमें होती है मेहनत होती है, मगर हमारी ये रेसिपी बहुत ही डिलीशियस नंबर वन रेसिपी होती है। ओके भीड़ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।